नमस्कार जी, हमारी चैनल डीपीस किचन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की क्विक फिक्स रेसिपी है अमरूद की सब्जी। इसके लिए हमने एक थाई अमरूद लिया है, इसके टुकड़े करके अंदर से बीज निकाल के हम पकाएंगे। उसी के साथ में हमने दो बड़े चम्मच कर्ड लिया है, एक बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ ताज़ा नारियल लिया है, दो मीडियम साइज के टमाटर को रफली चॉप करके लिया है, एक बड़ा चम्मच धनिया जीरा पाउडर है, आधी छोटी चम्मच हल्दी है, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, एक छोटी चम्मच सब्जी का मसाला है, एक छोटी चम्मच नमक है और पाव छोटी चम्मच हींग है, एक बड़ा चम्मच लिया है पाँच फोरन मसाला, एक छोटी चम्मच ली है अदरक मिर्ची की पेस्ट और एक छोटी चम्मच ली है करी लीव्स का चूरा और एक बड़ा चम्मच लिया है शक्कर। हमारी ये सब्जी खट्टी मीठी तीखी बनेगी। एक मिक्सी जार के अंदर हम सब कुछ डाल देंगे, टमाटर के टुकड़े, दही, सारे मसाले, अदरक मिर्ची की पेस्ट, नारियल, इन सभी को एक अच्छे से मिला के एक पेस्ट बना लेंगे। हमने पैन के अंदर दो बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया है, अब हम इसमें पांच फोरन डाल के भून लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखनी है। इसी के साथ में हम करी लीव्स डाल देंगे और उसे भी मिला लेंगे। उसी के साथ में हमने जो पेस्ट बनाई है सब मिला के वो डाल देंगे। इसी मिक्सी जार में थोड़ा पानी डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिला के ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। चेक कर लेंगे। बढ़िया ग्रेवी रेडी है, तेल भी छोड़ दिया है, अच्छे से पक गई है, पूरा रोगन ऊपर आ गया है। अब हम इसमें हमने जो अमरूद के टुकड़े की है बीज निकाल के वो डाल देंगे। ज़रूरी नहीं कि आप थाई का अमरूद ही लो, उसमें क्या है कि उसके बीज थोड़े सॉफ्ट रहते हैं, अगर एक दो रह भी गए तो फिर खाने में तकलीफ नहीं होती है। आप लोकल भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो हमने ये कट कर लिए, वो बीच में से थोड़े पिंकिश रहते हैं तो अच्छा लगता है दिखने में भी। अब सभी को अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा पानी भी डाल देंगे और ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। वैसे अमरूद को पकने में बहुत टाइम नहीं लगता है। अच्छे से मिला लेंगे, सभी को लपेट लेंगे मसाले के साथ में और थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा पानी डालेंगे। उसे भी मिला लेंगे मसाले के साथ में ताकि मसाला पूरा मिल जाए अमरूद के साथ में। अब इसे ढक कर 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। बीच बीच में देख लेंगे, गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है, चेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया पक गई है सब्जी, अमरुद भी पक गए है। पूरा गलाना नहीं होता है, थोड़ा क्रंची रखना होता है, फ्रूट है तो अभी स्वाद अच्छा आएगा। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और शक्कर डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। 2 मिनट और पका लेंगे, बाद में गैस बंद करके और भी 2 मिनट छोड़ देंगे ऐसे ही और बाद में सर्व कर देंगे। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स डिटेल
में प्रोसीजर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप सभी को रिक्वेस्ट है हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और आप एक बार ये सब्जी ज़रूर बनाइएगा, इसे जीरा राइस, पराठा, पूरी बहुत बढ़िया लगता है, बहुत स्वाद आता है। खट्टी मीठी तीखी बनती है ये सब्जी, क्योंकि पेरू भी इतने मीठे नहीं होते, थोड़ी खटास उनमें भी रहती है, इसलिए हमने नारियल डाला मिठास के लिए, शक्कर डाली मिठास के लिए और दही डाला उसको बैलेंस करने के लिए। इसे ढक देंगे और 2 मिनट के बाद गैस बंद करके बाद में हम सर्व कर देंगे। क्विक फिक्स अमरूद की खट्टी मीठी सब्जी हमने फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती के साथ गार्निश करके सर्व किया है। एक बार हमारी रेसिपी से आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और हमें बताइएगा आपको कैसे लगी, आपके वैल्यूएबल सजेशंस और कमेंट ज़रूर लिखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।